हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सवनूर की पॉटी ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, स्टार्टिंग में बच्चे दिन में बहुत बार पॉटी करते हैं और बहुत पतली पॉटी करते हैं, तो सवनूर का भी सेम ही था। बट आफ्टर 6 मंथ्स जब वो सॉलिड लेने लग गई और उसके साथ फीडर भी लेने लग गई, तो वो दिन में 1 या 2 टाइम्स ही पॉटी करती थी। जब सवनूर 9 मंथ्स की थी तब से हमने इसको पॉट में बिठाना स्टार्ट कर दिया था और अब ये 1 ईयर की हो गई है। स्टार्टिंग में मुझे सवनूर के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था कि उसको पॉटी आई है और मैं फटाफट से उसको पॉट पे बिठा देती थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा टफ और चैलेंजिंग था वो था सवनूर को पॉटी करने तक पॉट पे ही बिठाई रखना, क्योंकि उसने जस्ट अभी खड़े होना सीखा ही था तो वो फटाफट से थोड़ी सी पॉटी करके ही खड़ी होने की कोशिश करती थी। तो इस टाइम पे हम या तो सवनूर को कोई टॉय पकड़ा देते थे या फिर मनूर उसको कोई भी सॉन्ग या कोई राइम सुना देता था जिससे वो आराम से बैठ के पॉटी कर लेती थी। गाइस, अब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं सवनूर की पॉटी ट्रेनिंग को और सम टाइम्स वो पॉट को देख के इशारा कर देती है कि उसको पॉटी आई है, बट कभी कभी उसको पॉट जब सामने नहीं दिखता तो वो नहीं बता पाती, क्योंकि अभी वो बोल नहीं सकती, वो जस्ट इशारा ही कर सकती है। गाइस, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सवनूर को अब डाइपर के बिना ही सारा दिन रखा जाए, तो मैं इसको सुसु करने के लिए भी पॉट ही यूज़ करती हूँ। और अब पॉट ज़्यादा यूज़ होता है सारा दिन में, तो उसको काफ़ी हद तक पता चल गया है कि कब उसको पॉट यूज़ करना है, लेकिन अभी वो 1 ईयर की ही है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा सवनूर इसको प्रॉपर यूज़ करने लग जाएगी। गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।